हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने YouTube में अपनी प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही जो है यहाँ पे Paytm वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ पे बना रखी है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने YouTube में अपनी प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना YouTube ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे ये लाइब्रेरी का ऑप्शन नज़र आता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर में प्लस के साथ जो है न्यू प्लेलिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, पेज। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो नेक्स्ट का बटन है इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है न्यू प्लेलिस्ट का यहाँ पर जो है ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है टाइटल आपको लिख देना है। ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ। इंस्टाग्राम के साथ यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर वीडियो जोड़ देता हूँ। ठीक है, आपको जो भी नाम रखना है आप रख सकते हैं। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं जो प्राइवेट हो रखा है, तो यहाँ पर ये जो एरो का बटन है, तो अगर आप प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पब्लिक रखना चाहते हैं तो पब्लिक भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये नीचे की साइड में क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएटेड हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा जो इंस्टाग्राम का जो वीडियो का जो मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर ये बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब में अपनी प्लेलिस्ट को आप जो है क्रिएट कर सकते हैं।